Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, you know, कल हमने बात की थी bearish power and bulls power के बारे में. ये क्या होते हैं, कैसे work करते हैं, कैसे हम इनको market charts पर apply करके ढूंढ करके कैसे हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, बेरिश पावर बुल्स पावर हमें क्या क्या इंडिकेट करते हैं, कब कब इंडिकेट करते हैं, कैसे हमें मार्केट का फ्लक्चुएशंस फ्लो और फ्रीक्वेंसी वोलेटिलिटी सारी चीजें हमें कंसीडर करते हैं, सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी. आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं. ओके एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिचफॉर्क के बारे में. ओके, अगर आप ट्रेडर हैं गाइज तो आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ, 7 पार्ट्स की मैंने सीरीज निकाली हुई है. कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो वो सारे सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के सारे वीडियोज के पैटर्न देख सकते हैं, वीडियोज से सीख सकते हैं. ओके, आप ट्रेडिंग करना अच्छा सीख सकते हैं. और अगर आप ट्रेडर हैं तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अलावा आपको सारे के सारे इंडिकेटर के बारे में पता भी होना चाहिए, जो कि मैं आप सभी को डेली पर डे ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में वीडियो लगा के आप सभी को बताती रहती हूँ. ओके, सो गाइज, आज उसी पैटर्न में उसी सीरीज में आज मैं बात करने वाली हूँ पिचफॉर्क इंडिकेटर के बारे में. ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से इसको मार्केट चार्ट पर हम ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से ड्रॉ करके हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, पिचफॉर्क इंडिकेटर के जो उसके ब्रेकआउट होते हैं और इसके अलावा ब्रेकआउट पर हमें कब ट्रेड प्राइस करनी है, कब वेट करना है, हमें ब्रेकआउट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं, सारी चीजों को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं. आप सभी को लाइव चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ मैं, और उसके अलावा लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, अच्छा प्रॉफिट गेन करके दिखाने वाली हूँ. ओके, सो गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा. ओके, वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, देन वहां आप सभी को 100% एक्यूरेसी वाले श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. अगर लॉस हुआ पड़ा है तो लॉस भी कवर अप कर सकते हैं. ओके, कुछ ऐसे मंथली टारगेट्स उसमें मैंने जो सेपरेट किए हुए हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, एंड इसके अलावा अगर आप सभी क्यूडेक्स पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्यूडेक्स पर जाइए, लिंक से अकाउंट बनाइए. ओके, एंड वहां से आप हमारे द रिलायबल VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें और ज्यादा कुछ अच्छी एक्यूरेसी वाले कुछ मोर और सर्विस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको आप फॉलो करके और मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, मोर लॉस कवर भी कर सकते हैं. ओके, सो गाइज, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बार और कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, इस वीडियो की नॉलेज अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा. ओके, सो कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं कि पिचफॉर्क इंडिकेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं. ओके, सो आज की वीडियो देखने के बाद आप सबको सीखने वाले हैं, पिचफॉर्क के बारे में जानने वाले हैं, अप्लाई करके ट्रेड करके प्रॉफिट गेन करने वाले हैं. ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं, पिचफॉर्क क्या होता है आइए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 27,2860 डॉलर लाइव वाले शो हो रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं. एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेयरिश पावर एंड बुल्स पावर के बारे में. गाइज, वीडियो का कोई भी पार्ट एक भी सेकेंड आप मिस मत कीजिएगा, मिस कीजिएगा तो ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे. ओके, सो गाइज, आज का ये वीडियो जिसमें मैं आप सभी को बेयरिश पावर और बुल्स पावर के बारे में बताने वाली हूँ, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको अप्लाई करके इस पर सॉलिड वाली प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं. ओके, सो गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक. ओके, सो गाइज, फर्स्टली हम यहाँ पर अपना जो है इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं. ओके, अगर इसमें आज के हम प्रॉफिट आज है 22 नवंबर, वीडियो आपके पास आने में लगभग ये 24 नवंबर तक आपके पास पहुँच जाएगी. गाइज, वीडियो जब पहुँचेगी तो उसमें मैं दिखाऊं 22 नवंबर के आज की ट्रेडिंग का जो हमारा प्रॉफिट रेट है, इसमें आप सभी को मैं लीडर बोर्ड शो करा दूं. ये रहा हमारा लीडर बोर्ड, $1,700 का लाइव बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, प्रॉफिट हमारा आज का ये बुकड प्रॉफिट है, देख सकते हैं. ओके, सो गाइज, हम यहाँ पर फर्स्टली अपना जो है बेयरिश पावर एंड बुल्स पावर इंडिकेटर ले लेते हैं. ओके,
सो ये हमारा क्यूटेक्स का लाइव चार्ट है, ई और यूएसडी करेंसी, मैंने ये करेंसी पेयर ले रखे हैं क्योंकि इस वक्त जो है गाइज अबव रात की जो है 10:45 हो रहा है टाइम, ओके लगभग 10:42 हो रहे हैं ऐसे टाइम में, आप सभी को मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ओके सो ओटीसी का मार्केट ओपन होने वाला है कुछ टाइम के बाद, अभी फिलहाल हमारा रियल करेंसी ओपन है। ये कुछ यहाँ अगर जाएंगे तो आपको ये रहा बियरिस पावर, ओके बियरिस पावर, इसमें गाइज आप बियरिस में बियरिस है तो रेड कलर रहता है बियर के लिए, ओके तो रेड कलर हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे, वैल्यू उसकी करेंगे 14, देन इसको कुछ हम इसकी लाइन जो हमें ईजली जो है हाईलाइट हो इसलिए हम इसका इतना जो है पैरामीटर रख देंगे, ओके ज़्यादा हो तो उसको हम कम भी कर सकते हैं, ओके गाइज ये हमने बियरिस पावर ले लिया। देन नेक्स्ट जो हम लेंगे वो रहेगा हमारा बुल्स पावर, ओके इसके लिए हम बुल्स के लिए ग्रीन कर लेंगे, ओके वैल्यू उसकी करेंगे हम वही सेम 14, ओके देन इसको भी हम इसी तरह से कुछ हाईलाइट करने के लिए लाइन हम मोडी कर सकते हैं, ओके हाईलाइट कर दिया हमने। सो गाइज ये हमारे रहे हैं बियरिस पावर एंड बुल्स पावर, ओके बियरिस पावर आप समझ सकते हैं मतलब मंदी और बुल्स पावर मतलब तेजी, यू नो। तो गाइज जब भी मार्केट में हमारा डाउन ट्रेंड चलता है, डाउनफॉल चलता है, तो गाइज ऐसे में हमारी जो ये जो बियरिस पावर वाला ये इंडिकेटर है ये हमारा एक्टिव रहता है, ओके देन अगर हम इसमें अप ट्रेंड की बात करें कि जब हमारी मार्केट में तेजी चल रही होती है, अप ट्रेंड चल रहा होता है, ग्रीन कैंडल्स बनती है, देन वहाँ पर हमारा ये बुल्स पावर एक्टिव ज़्यादा रहता है, ओके अभी फिलहाल आपको अगर जब आपको ये मालूम नहीं है कि हमारा बियरिस पावर इंडिकेटर बुल्स पावर इंडिकेटर वर्क कैसे करता है तो आपकी ये शो हो रहा होगा कि अभी हमें दोनों ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है दोनों एक ही जैसी लग रही है अबव, है ना, दोनों जो एक ही जैसी आपको लग रही होंगी, ओके लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तब इनको इनके बीच का डिफरेंसेस आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल किधर बन सकती है, हमारा ट्रेंड कब कब चेंज हो सकता है, ओके सो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओके तो फाइनली अब हम समझते हैं बियरिस पावर। तो गाइज बियरिस पावर हमने इसको ये लाइन इसकी रखी है, ओके इसको मैं अगर और बड़ा कर दूँ तो ये रहा बेरिस पावर, मतलब मार्केट में हमारी जब मंदी होने वाली होती है तो ये गाइस हमारा ऑब्वियसली डाउनफॉल की ओर नीचे इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ पर अभी आपको ये शो हो रहा हो इसका जो ये जो मुंह है इसका, ओके फेस है वो फेस इसका ये शो कर रहा है कि हमारा भी मार्केट डाउनफॉल चल रहा है और ये हमें डाउनवर्ड की ओर ही हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ओके यहाँ आप देख सकते हैं, ओके कुछ इस तरह से यहाँ कुछ पैरामीटर जाते हुए डाउनफॉल की ओर जाएगा, ओके देन बुल्स पावर हमें ये इंडिकेट कर रहा है बुल्स पावर कि अभी हमारे अप ट्रेंड जाने के चांसेस कम हैं, ओके फाइनली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमारे चांसेस कम हैं बुल्स मतलब ऊपर मतलब अपवर्ड की ओर जाने के, अप ट्रेंड के लिए हमारे चांसेस कम हैं यहाँ पर, ओके हमें बुल्स पावर बता रहा है कि अभी हमें ऊपर नहीं जाना है, अभी हमें नीचे ही जाना है, तो बुल्स पावर हमें इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड की ओर और इसकी श्योरिटी कौन कर रहा है बियरिस पावर। जब बियरिस पावर हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर रखा है इसने हमें एक इंडिकेट कर दिया डाउनफॉल की ओर कि हमारा डाउनफॉल जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर कैंडल आपको बनती हुई नजर भी आ रही होगी, ये रेड कैंडल बन रही है देन अगेन रेड कैंडल बनी हुई है देन इसको फॉलो करते हुए शायद अगेन नेक्स्ट कैंडल भी इसकी जो है रेड ही बननी चाहिए, देन इसकी श्योरिटी कौन कर रहा है नेक्स्ट वाला जो हमारा ये हमने इंडिकेटर ले रखा है बुल्स पावर, ये कह रहा है कि डाउनफॉल जाएगा, इसकी श्योरिटी कौन कर रहा है इसका नेक्स्ट वाला इंडिकेटर, ओके सो इसी को अप्लाई करते हुए देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर हमारी जो है बियरिस पावर को उसने शो किया है, जैसे कि इसने हमें इंडिकेट किया है वैसे ही हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड की ओर, ओके देन इसी को हम अप्लाई करते हुए ट्रेड करेंगे। देन आई होप सो आप सभी को अच्छे कैसे ये थ्योरी समझ में आ गई। अभी मैंने कहा था नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली जो है रेड बननी चाहिए और बन भी रही है फिलहाल तो अभी, ओके सो देखते हैं कि आगे मार्केट में होता क्या है, ओके इसके यहाँ पर फेस मुड़ने तक हम यहाँ पर वेट करेंगे कि हमें ये जो इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन की ओर अपवर्ड जाएगा, मतलब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो है मोड़ ले सकता है, नहीं तो फिलहाल हमें ये वी शेप बनाते हुए कुछ यहाँ पर ऐसे ये शेप बनाते हुए यहाँ तक डाउनवर्ड आएगा, देन यहाँ से ये शेप जो है इसकी जिगजैग इंडिकेटर है यहाँ से इस तरह से कुछ वी शेप बना लेगा हमारा उल्टा वी, ओके रिवर्स वी बना लेगा शेप, ओके देन यहाँ पर मैं ट्रेड प्राइस करने वाली हूँ, अमाउंट हम यहाँ पर रख लेते हैं अपना 250, ओके देन मैं ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ यहाँ पर अगेन डाउनवर्ड के लिए, ओके मैंने दो ट्रेड यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए फिल कर दी हैं, देन देखेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। फिलहाल जैसे कि हमने देखा है कि बियरिस पावर हमें इंडिकेट कर रहा डाउनवर्ड की और अभी भी कंटिन्यू डाउनवर्ड जा रहा है, हमने डाउनवर्ड के लिए यहाँ पर ट्रेड की और ये श्योरिटी कर रहा है बुल्स पावर की हमारा डाउनवर्ड ही अभी भी जाएगा, देन यहाँ पर कितनी अच्छी हमारी सुपर विन हो रही है ये ट्रेड हमारी अभी भी। फिलहाल 40 सेकंड्स है कुछ भी नहीं कह सकते, वेट करना है क्योंकि ट्रेडिंग फील्ड ऐसा है जिसमें हमें नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट सेकंड का हमें नहीं मालूम होता ओके क्या होने वाला है। सो गाइस हम वेट करेंगे 30 सेकंड्स तक,
30 सेकेंड्स में हमें अपने स्ट्रेट का रिजल्ट पता चल जाएगा। ओके, सो होप सो आप सभी को ये अच्छा खासा इंडिकेट जो कर रहा है बेरिस पावर बुल्स पावर समझ में आ रहा होगा। ओके, बहुत कंफर्टेबल है गाइस, बहुत इजी है ये, हमें इंडिकेट जो हमें करता है बहुत अच्छे से हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि हमारा ट्रेंड कब चेंज हो सकता है। ओके, अभी हमें दोनों शो कर रहे हैं डाउनवर्ड की ओर, देन उसी को फॉलो करते हैं, हमने ट्रेड की है हमने यहाँ पर। ओके, $500 हमने इन्वेस्ट किए थे, देन यहाँ पर हमने कंटिन्यू प्रॉफिट अपना अर्न कर लिया है। ओके, सो ये ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो गई है। देन एक मिनट के बाद हम अगेन नेक्स्ट कैंडल प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेंगे। ओके, 55 सेकंड्स के बाद देखेंगे कि हमें यहाँ पर अब ये यहाँ पर या तो वी शेप बनाएगा। ओके, यहाँ से अभी कुछ सेकंड्स में ही ये वी शेप कंटिन्यू बना लेगा अगर ये रेड कैंडल बनती है तो, और डेफिनेटली रेड कैंडल बनेगी। देन गाइज आप देख रहे हैं कि रेड कैंडल बन भी रही है और यहाँ से ये वी शेप लेने वाला है। ओके, जैसे ही वी शेप लेता है हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे गाइज। ओके, फाइनली यहाँ पर रेड कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है और इस रेड कलर के देखिए वी शेप ले लिया है, मैंने कहा कुछ ही सेकंड्स में ये वी शेप लेने वाला है और वी शेप ले लिया है। ओके, सो हमें ये अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ पर नेक्स्ट 20 सेकंड्स के बाद ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, सो गाइज वेट 10 सेकंड्स, देन देखते हैं कि हमें नेक्स्ट ट्रेड हमें लेना है। ओके, देन अगेन मैं यहाँ पर जो है अब मैं अपॉर्ट के लिए इसलिए लूँगी क्योंकि यहाँ पर इसका जो फेस जो है वो हमें कुछ यहाँ से जो है रिवर्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। देन देख रहे हैं कि रिवर्स बनता हुआ नज़र आया, मैंने यहाँ पर ट्रेड अपॉर्ट के लिए ले ली और इसकी श्योरिटी इस वाली कैंडल ने पहले ही कर दी थी, जैसे ही इसने हमें इंडिकेट किया बुल्स ने कि हमारी जो है ये कैंडल हमारी मुड़ सकती है, देन ने उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर अप्लाई ट्रेड अप्लाई की थी। ओके, श्योरिटी जैसे हो रही है, एक हमें इंडिकेट करता है, दूसरा हमें श्योर करता है कि हमारा ठीक है, हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्रेस करनी है। ओके, वेट करेंगे 30 सेकंड्स गाइस, देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, फिलहाल तो अभी हमें इंडिकेट कर रहा है अपॉर्ट की ओर, देन देखेंगे कि हमें क्या करना है नेक्स्ट ट्रेड पर। ओके, बहुत क्लोज पॉइंट पर है, वेट करते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, देन बहुत क्लोज पॉइंट पर है गाइस, देख सकते हैं आप, 15 सेकंड्स वेट करना है, देन 10, 9, 8, देन गाइज ट्रेड करते समय हमेशा ही बोलती हूँ मनी मैनेजमेंट खुद लेकर के चलना है। सो गाइज ये बहुत ही विन हो गई है। ओके, लकीली विन हुई है क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था। ओके, देन यहाँ पर जो हमने कंटिन्यू जो है यहाँ डाउनवर्ड के लिए ली थी हमारी विन गई थी, अपवर्ड के लिए हमारी कंटिन्यू जो है प्रॉफिट भी हुई है, तो हम यहाँ पर जो हमने 500 जो डॉलर इन्वेस्ट किए थे $1,000 हमने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर लिया है इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए। बहुत ईजी है गाइज, बस इसकी जो यहाँ पर लैंग्वेज समझते जाइए, ये हमें किधर इंडिकेट कर रहा है बस वही हमें उसको फॉलो करना है। ओके, सो गाइज आप सभी ने देखा किस तरह से पिचफॉर्क मार्केट पर हम ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं, क्या होता है, किस तरह से ये हमें इंडिकेट करता है, इसके ब्रेकआउट हमें किस तरह से ये कंसिडर करते हैं कि हमें कब ट्रेड प्रेस करना है, कब हमारा शो शॉर्ट गेन होने वाला है। ओके, कब हम मोटा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, सो पिचफॉर्क रियली मेरे लिए बहुत यूजफुल इंडिकेटर है, मैं उसको बहुत यूज करती हूँ और आज की वीडियो देखने के बाद आप भी इसको यूज करेंगे, यूज करके प्रॉफिट गेन करेंगे। ओके, सो बने रहिए मॉडर्न ट्रेडिंग के साथ, चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप सभी के पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, एंड गाइस मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट है हमें जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और नए नए टॉपिक्स पर नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। ओके, सो वीडियो शेयर कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।